साथियों के साथ जो दुष्कर्म किया था वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। बीएचयू में युवती से दुष्कर्म के मामले में बीजेपी आईटी सेल के संयोजक समेत तीन नेताओं के नाम सामने आए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप के आरोपी अंततः भाजपा के ही नेता निकले। मेरी कही गई बात सच साबित हुई। इस प्रकरण में मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करने वाली प्रदेश सरकार क्या मुझसे माफी मांगेगी? 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है, और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए, और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हों, मंत्री हों, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है, इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, और 2 महीने लग गए पुलिस को अभी तक इनको पकड़ने में, जो कि सीसी कैमरा और सारी चीजें उपलब्ध होने के बाद भी इतना विलंब लगा इसलिए कि इनको पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इनको पूरी तरीके से इनको जहां तक मेरी जानकारी है कि इनको कैसे बचाया जा सके, पर दबाव इतना बना जनमानस का, जनता काशी की, जनता का, पूरे प्रदेश की जनता के, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जैसी घटनाएं हो सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश और देश में क्या स्थिति होगी। निश्चित तौर से मैं यही सरकार से मांग करूंगा ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो और कठोर से कठोर दंड इनको दिया जाए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द इन्हें सजा दी जाए। गौरतलब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1 नवंबर को छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद अजय राय ने सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सभी आरोपियों के बीजेपी से जुड़ा होने का दावा किया था। ये बीएचयू जैसी संस्था जिसको मालवीय जी ने बनाया, मालवीय जी के द्वारा ये बनाई हुई संस्था है, और इसमें आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहले भी बीएचयू में कई घटनाएं हो चुकी हैं, कल जो आईआईटी बीएचयू के अंदर घटना घटी है ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली और बहुत ही शर्मनाक घटना है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जघन्यतम अपराध है, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें जो दोषी लोग हैं मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि बीएचयू जो आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल इनको निलंबित करना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं पाई है, क्या लगता है कि ये भी जुड़े लोग हैं? आज जैसा जानकारी आ रही है कि ये सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, इस नाते उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहां तक मेरी जानकारी में जैसे लोगों ने बताया कि सीसी कैमरा से लेकर सब खराब हैं, ये सब चीजें जानबूझकर बचाने का काम है, ये इस पे तत्काल प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करानी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घटना के करीब 1 हफ्ते बाद भी इसमें बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों के शामिल होने की बात सार्वजनिक तौर पर कही थी, जिसके बाद अजय राय पर लंका थाने में एक मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। अब इस मामले का खुलासा होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने निशाना साधा है। बता दें कि पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद चौहान के रूप में हुई है। कुणाल पांडे भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई का आईटी सेल संयोजक है, वहीं सक्षम पटेल सह संयोजक, आनंद चौहान कैंट विधानसभा क्षेत्र के आईटी सेल का संयोजक है।